असलकम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन एंड इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ़ ईमान एंड हेल्थ टुडे आर लेक्चर नंबर सिक्सटीन ग्रेड थ्री सब्जेक्ट मैथ एंड द टॉपिक इज चैप्टर नंबर टू स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर टू को डिस्कस किया आज भी हम अपना चैप्टर नंबर टू कंटिन्यू रखेंगे बट हम इससे पहले अपने प्रीवियस तमाम लेक्चर्स का रिव्यू लेंगे कि हमने उनमें किन किन चीज़ों को डिस्कस किया All, हमने नंबर ऑपरेशंस को डिस्कस किया नंबर ऑपरेशंस कितने होते हैं फोर नंबर ऑपरेशंस दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बट हमारी बुक में सिर्फ टू टाइप ऑफ नंबर ऑपरेशंस को डिस्कस किया गया है जो कि एडिशन और सबट्रैक्शन है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एडिशन और सबट्रैक्शन को डिस्कस किया एडिशन क्या होता है चीज़ों को इकट्ठा करना पुट टूगैदर एडिशन मीन्स पुट टूगेदर एंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्ट सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सब्रैक्शन को डिस्कस किया सब्रैक्शन हमने सबसे पहले किन चीज़ों को डिस्कस किया कि सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं जैसे गिव अवे टेक अवे रिमेन लेफ्ट डिफरेंस स्टूडेंट्स इनमें से अगर कोई भी टर्म आ जाए तो हमें पता होता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है सबट्रैक्शन इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन के लिए हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमारे पास हमने थ्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ी सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी कि जिसमें हम ज़ीरो में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जब टू सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जब ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक किया जाए और स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आता आंसर डिफरेंट आता है उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हमने सब्ट्रैक्शन के फाइव मेथड्स को डिस्कस किया सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या था विद द हेल्प ऑफ डॉट्स सबसे पहले हमने डॉट्स की मदद से सबट्रैक्शन की उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अबैकस थर्ड मेथड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स फोर्थ मेथड विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन एंड फिफ्थ मेथड टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर इज मेंटली उसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी वन डिजिट नंबर की टू डिजिट नंबर की थ्री डिजिट नंबर की और फोर डिजिट नंबर की नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स और विदाउट रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स रीग्रुपिंग नंबर्स को के आगे हमने थ्री कैटेगरीज के बारे में पढ़ा जिसमें हमने टेंथ से कैरी लिया और वंस में कन्वर्ट किया नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने हंड्रेड से कैरी लिया और टेंथ में कन्वर्ट किया उससे नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने थाउजेंड से कैरी लिया और हंड्रेड में कन्वर्ट किया उसके बाद हमने विदाउट रे ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स की एग्जाम्पल डिस्कस की जिसमें हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके हमने टू एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया नेक्स्ट हमने चेकिंग मेथड को डिस्कस किया सब्ट्रेक्शन के लिए सबसे पहले हमने सब्ट्रैक किया और उसके बाद उसे चेक किया विद द हेल्प ऑफ एडिशन अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होती हैं जिसमें हमें क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट दी जाती है हमने स्टेटमेंट को रीड करते हुए उसमें से वैल्यू सर्च करके नंबर्स को सबट्रैक्ट करना होता है जबकि पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमें डिजिट्स खुद दिए जाते थे और हम उसे सिर्फ सबट्रैक्ट करते थे स्टूडेंट्स अब हमने वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमने उसमें स्टेटमेंट को रीड करते हुए नंबर राइट करके उसे सबक्रैक करना है जब अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उनकी स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप उसमें से नंबर्स को फाइंड कर सकें और उसे सबक्रैक कर सकें सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्ड्स प्रॉब्लम स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर फिफ्टी नाइन पे क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करेंगे इन अ स्कूल ऑफ 1,257 स्टूडेंट्स एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने है? 1, हैं 1,257। है? 629 हैव पेट्स। उनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट्स हैं 629। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट एनी पेड कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई पेट नहीं है तो हम टोटल वैल्यू में से 629 को माइनस करके चेक करेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट्स नहीं हैं स्टूडेंट्स अब हम बुक पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर वन का सल्यूशन डिस्कस करेंगे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1257 स्टूडेंट्स हैव पेट ऐसे स्टूडेंट्स जो पेट्स रखते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स डू नॉट है ऐसे स्टूडेंट्स जो पेट नहीं रखते अब हमने टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं और उसमें से जितने स्टूडेंट्स पेट रखते हैं उनको माइनस कर देना है वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन हम लिखेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन सबसे पहले सेवन में से नाइन माइनस नहीं हो सकता वंस कॉलम में हमें क्या दिया गया है सेवन और सेवन में से क्या हो सकता है नाइन माइनस नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे कि 10 से वन कैरी लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी सेवनटीन और टेंथ में हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी फोर सेवनटीन में से नाइन निकालें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या वैल्यू बचेगी एट टेंथ में हमारे पास फ़ोर है फोर में से हम टू माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी टू हंड्रेड में हमारे पास टू में से सिक्स माइनस नहीं हो सकता इसलिए थाउजेंड में से वन कैरी लेंगे और यहाँ पे 12 बन जाएगा 12 में से जब हम सिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी सिक्स और थाउजेंड में हमारे पास क्या रह जाएगा ज़ीरो क्योंकि हमने वन कैरी हंड्रेड वाले को दे दिया है तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स डू नॉट है कितने हैं जिनके पास पेड्स नहीं है वो सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है रमीज मेड वन थाउजेंड थर्टी एट रमीज ने कितने रन बनाए वन थाउजेंड एंड थर्टी एट एंड टू थाउजेंड एंड फोर्टी रन और हमीद ने कितने रन बनाए टू थाउजेंड और फोर्टी रनस हाउ मैनी मोर रन डेड हमीद मेड देन रमीज़ रमीज़ की नस्बत हमीद ने कितने ज़्यादा रन बनाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा सबसे पहले हमीद के रन हम राइड करेंगे फिर रमीज़ के रन रे और उसके बाद इन दोनों को हम माइनस कर देंगे माइनस करके जो आंसर आएगा उसे हमें पता चलेगा के हमीद ने रमीज के निस्बत कितने ज्यादा रंस बनाए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे रमीज मेड रंस रमीज ने कितने रन बनाए टू हंड्रेड एंड फोर्टी ओह मैंने मिस्टेक कर दी टू थाउजेंड एंड फोर्टी स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे रमीज़ मेड रन रमीज़ ने कितने रन्स बनाए टू थाउजेंड एंड हमीद मेड रन हमीद ने कितने रन्स बनाए वन थाउजेंड एंड थर्टी एट हमीद मेड मोर रन दैन रमीज़ हमीद ने रमीज़ के नस्बत कितने ज़्यादा रन बनाए ये अब हम देखेंगे माइनस करके हमें वैल्यू क्या दी गई है टू थाउजेंड एंड इसमें से हम क्या माइनस करेंगे वन थाउजेंड एंड थर्टी एट अब हमें क्या वैल्यू दी गई है वंस में ज़ीरो में से एट माइनस करना है हमने लेकिन जीरो में से एट माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो छोटी वैल्यू है और एट बड़ी वैल्यू है अब हम टेन से वन कैरी लेंगे और हमारे पास वंस में टेन बन जाएगा फिर टेन में से हम एट माइनस करेंगे तो हमारे पास टू वैल्यू बचेगी उसके बाद हमारे पास टेंथ में जब हमने इधर कैरी दे दिया तो यहाँ पे हमारे पास टेंथ में थ्री रह गया थ्री में से हमने क्या माइनस करना है थ्री जब हम थ्री में से थ्री माइनस करेंगे हमारे पास ज़ीरो रह जाएगा हंड्रेड में हमारे पास ज़ीरो है ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया तो हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा और थाउजेंड में हमारे पास टू वैल्यू है हम टू में से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास वन बचेगा अब हम इस वैल्यू को किस तरह से रीड करेंगे वन थाउजेंड एंड टू हमीद ने रमीज़ की नस्बत कितने ज़्यादा रन बनाए वन थाउजेंड एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी कार्स आईर एक फैक्ट्री कितनी कार्स बनाती है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी कार्स बनाती है एक साल में इट सेल्स वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स और वो कितनी कार्स को सेल करती है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स कार्स को हाउ मेनी कार्स आर येट टू बी सोल्ड अभी कितनी कार्स बाकी हैं सेल करने वाली तो सबसे पहले हम के क्या राइट करेंगे कि फैक्ट्री टोटल कार्स कितनी बनाती है वो कितनी बनाती है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी और वो कितनी कार्स को सेल करती है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स अब इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि अभी कितनी कार्स सेल करने वाली बाकी हैं स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोलूशन सॉल्व करेंगे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स कार फैक्ट्री कितने कार्स को बनाती है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी इट सेल्स कार ये कितने कार्स को सेल करती है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स कार्स आर येट टू बी सॉल्व कितनी कार्स अभी भी सेल करने वाली बाकी हैं अब हमें नंबर क्या दिया गया है 2570 उसमें से हमने क्या माइनस करना है 1976 हमें वंस में नंबर क्या दिया गया है ज़ीरो ज़ीरो में से सिक्स माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो स्मॉल वैल्यू है और सिक्स ग्रेटर वैल्यू है इसलिए हम टेन से वन लेंगे तो हमारे पास वंस में क्या बन जाएगा टेन टेन में से हम सिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर रह जाएगा और जब हमने टेंथ से वन one, वंस को दिया तो यहाँ पे क्या नंबर रह गया सिक्स सिक्स में से सेवन माइनस नहीं हो सकता फिर हम क्या करेंगे हंड्रेड से वन कैरी लेंगे और टेंस में हमारे पास क्या बन जाएगा सिक्सटीन और हंड्रेड में हमारे पास क्या बच जाएगा फोर सिक्सटीन में से जब हम सेवन माइनस करेंगे तो हमारे पास नाइन रह जाएगा फोर में से नाइन माइनस नहीं हो सकता इसलिए हम थाउजेंड वाले कॉलम से वन लेंगे तो हमारे पास हंड्रेड वाले कॉलम में फोटीन बन जाएगा फोरटीन में से हम नाइन माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइव रह जाएगा और थाउजेंड वाले कॉलम में हमारे पास वन है वन में से हम जब वन माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो रह जाएगा कार्स आर येट टू बी सॉल्व कितनी कार्स अभी भी सेल करने वाली बाकी हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर इतनी कार्स सेल करने के लिए अभी बाकी हैं स्टूडेंट्स आज हम पेज नंबर फिफ्टी थ्री पे एक्सरसाइज नंबर टू बी का क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है फिलिंग दी ब्लैंक्स पार्ट ए हंड्रेड में से आपने 80 माइनस करना है सबसे पहले हमारे पास वनस कॉलम में ज़ीरो है ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है टेंस कॉलम में हमारे पास ज़ीरो है ज़ीरो में से हमने एट माइनस करना है ज़ीरो में से स्टूडेंट्स एट माइनस नहीं हो सकता इसलिए हम हंड्रेड कॉलम से वन कैरी लेंगे हमारे पास टेन बन जाएगा टें कॉलम में टेन में से एट माइनस करेंगे तो हमारे पास टू बचेगा और हंड्रेड कॉलम में जब हमने टेंस कॉलम को वन कैरी दिया तो हंड्रेड कॉलम में हमारे पास ज़ीरो रह जाएगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स ए पार्ट का क्या आंसर बना ट्वेंटी नेक्स्ट बी पार्ट है 600 629. एंड ट्वेंटी 629. नाइन उसमें से हमने क्या माइनस करना है ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स वन कॉलम में हमें नाइन दिया गया है नाइन में से हमने नाइन माइनस करना है हमारे पास क्या आंसर आएगा जीरो टेंस कॉलम में हमें टू दिया गया है टू में से हमने टू माइनस करना है जब टू में से टू माइनस करेंगे हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा हंड्रेड कॉलम में हमें ओनली सिक्स दिया गया है और हमारे पास सिक्स ही आएगा अब हमारे पास आंसर क्या बना सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट सी पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी उसमें से हमने क्या माइनस करना है 700 हंड्रेड वंस कॉलम में हमें स्टूडेंट जीरो दिया गया है जब हम ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा नेक्स्ट टेंस कॉलम में हमें सेवन दिया गया है सेवन में से ज़ीरो माइनस करेंगे हमारे पास आंसर सेवन आएगा नेक्स्ट हंड्रेड कॉलम में हमें सेवन दिया गया है सेवन में से सेवन माइनस करना है हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा और इसका टोटल आंसर हमारे पास क्या बना सेवेंटी नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट डी पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स उसमें से हमें ट्वेंटी माइनस करना है वंस कॉलम में हमें सिक्स नंबर दिया गया है सिक्स में से ज़ीरो माइनस करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा सिक्स टेंस कॉलम में हमें टू दिया गया है टू में से टू माइनस क्या हमारे पास आंसर ज़ीरो आया हंड्रेड कॉलम में हमें टू दिया गया है और कोई वैल्यू नहीं दी गई इसलिए टू ही आएगा अब हमारे पास टोटल आंसर डी पार्ट का क्या बना टू हंड्रेड एंड सिक्स ई पार्ट ई पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर और उसमें से हमें क्या माइनस करना है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर वंस कॉलम में स्टूडेंट्स हमें वैल्यू दी गई है फोर में से हमने फोर माइनस करना है तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा टेंस कॉलम में हमें नाइन में से सिक्स माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा थ्री हंड्रेड कॉलम में हमें एट में से सेवन माइनस करना है जब हम एट में से सेवन माइनस करेंगे हमारे पास आंसर वन आ जाएगा थाउजेंड कॉलम में हमें वन में से वन माइनस करना है इसलिए हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा अब हमारे पास ई पार्ट का टोटल आंसर क्या बना वन हंड्रेड एंड थर्टी स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे पेज नंबर फिफ्टी थ्री पे क्वेश्चन नंबर टू है स्ट्रेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स अब आपने बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है ट्रू का मतलब है कि स्टेटमेंट सही है और फॉल्स का मतलब है कि स्टेटमेंट गलत है ए पार्ट है नाइन्टी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन था वन थाउजेंट एंड नाइन्टी इज़ इक्वल टू थाउजेंट अगर वन थाउजेंड नाइन्टी में से नाइन्टी को सब्ट्रैक किया जाए तो वो थाउजेंड के इक्वल आता है अब हम चेक करते हैं कि जब इन टू वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या वाकई ही आंसर थाउजेंड बनता है वन थाउजेंड एंड को हम ऊपर राइट करेंगे और नीचे किस में से माइनस करेंगे 90 में से वंस वाले कॉलम में हमें ज़ीरो दिया गया है ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो बनता है टेंस वाले कॉलम में हमें नाइन दिया गया है कि नाइन में से हमने नाइन माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या बनता है ज़ीरो हंड्रेड वाले कॉलम में हमें ज़ीरो दिया गया है इसलिए आंसर में ज़ीरो आएगा थाउजेंड वाले कॉलम में हमें वन दिया गया है और आंसर में भी क्या आएगा वन हमारे पास ए पार्ट का क्या आंसर बना थाउजेंड इट मीन्स के अगर हम वन थाउजेंड नाइन्टी में से नाइन्टी को माइनस करें तो हमारे पास आंसर थाउजेंड के इक्वल ही आ रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और ए पार्ट के आगे हम क्या राइट करेंगे ट्रू बी पार्ट बी पार्ट क्या है द डिफरेंस ऑफ 3500 एंड 4900 इज 400 उन्होंने कहा है कि जब 4900 में से 35 3500 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 400 अब हम चेक करते हैं कि जब 4900 हंड्रेड में से हम थर्टी फाइव हंड्रेड को माइनस करते हैं तो क्या वाकई ही आंसर फोर हंड्रेड आता है वंस कॉलम में स्टूडेंट हमें ज़ीरो दिया गया है जब हम जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा टेंस कॉलम में हमें ज़ीरो दिया गया है ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा हंड्रेड कॉलम में हमें नाइन दिया गया है नाइन में से जब हम फाइव माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर फोर आएगा थाउजेंड कॉलम में हमें फोर दिया गया है जब फोर में से हम थ्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर वन आएगा बी पार्ट का हमारे पास क्या आंसर बना वन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड लेकिन उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है फोर हंड्रेड जब हमने 4900 में से 3500 को माइनस किया तो 400 आंसर दिया हुआ है जबकि आंसर तो हमारे पास 1400 बन रहा है इसलिए बी पार्ट के आगे फॉल्स आएगा क्योंकि बी पार्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है सी पार्ट वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द राइट ऑफ द गिवन नंबर्स हम सबट्रैक्शन को कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं राइट right से राइट हैंड साइड कौन सी होती है वंस वाली जहाँ से वंस वाला यूनिट लिखना स्टार्ट करते हैं उस साइड से हम सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हम राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं इसलिए सी पार्ट के आगे ट्रू आएगा क्योंकि सी पार्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है डी पार्ट इफ़ वी टेक आउट थ्री फ्रॉम फाइव द रिज़ल्ट इज़ टू इसमें कहा गया है कि अगर हम 5,800 में से 3,894 एट हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 2094 तो अब हम चेक करते हैं कि इन दो नंबर्स को माइनस करने से 2094 आंसर बनता है या नहीं सबसे पहले हम 5800 लिखेंगे उसमें से माइनस क्या करेंगे 3800, थाउजेंड थ्री थाउजेंड एंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर सबसे पहले हमें वंस कॉलम में क्या क्या डिजिट दिया गया है ज़ीरो जीरो में से हमने फोर माइनस करना है जबकि हम ज़ीरो में से फोर माइनस नहीं कर सकते फिर हम टेंस कॉलम के पास जाएंगे टेंस कॉलम में हमारे पास ज़ीरो में से हमें नाइन माइनस करना है ज़ीरो में से हम कैरी नहीं ले सकते क्योंकि टेंस कॉलम में भी ज़ीरो है फिर हम कहाँ जाएंगे हंड्रेड कॉलम के पास हंड्रेड कॉलम से वन कैरी टेंस वाले कॉलम को देंगे टेंस वाले कॉलम में टेन बन जाएगा और हंड्रेड वाले कॉलम में सेवन बन जाएगा फिर हम टेंस वाले कॉलम से वन कैरी वंस वाले को देंगे वंस में टेन बन जाएगा और टेंस में नाइन रह जाएगा अब हम टेन में से फोर को माइनस करेंगे तो हमारे पास वंस वाले कॉलम में क्या आंसर आ जाएगा सिक्स हंड्रेड वाले कॉल टेंस वाले कॉलम में हमारे पास नाइन आंसर है नाइन में से जब हम नाइन माइनस करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जीरो हंड्रेड वाले कॉलम में हमारे पास सेवन बचा सेवन में से एट माइनस नहीं हो सकता इसलिए हम थाउजेंट वाले कॉलम से वन कैरी हंड्रेड वाले कॉलम को देंगे और फिर हंड्रेड वाले कॉलम में सेवेंटीन बन जाएगा सेवनटीन में से एट माइनस करेंगे तो हमारे पास नाइन बच जाएगा और थाउजेंट वाले कॉलम में हमारे पास फ़ोर बचा फोर में से हम थ्री माइनस करेंगे तो हमारे पास वन बचेगा हमारे पास डी पार्ट का क्या आंसर बन गया वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्स जबकि उन्होंने क्या दिया हुआ है कि माइनस करने के बाद क्या आंसर बचेगा 2094 तो डी पार्ट वाली स्टेटमेंट फिर क्या बनी फॉल्स क्योंकि हमारे पास जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है माइनस करने के बाद वो आंसर नहीं बना ई पार्ट ई पार्ट में क्या दिया गया है वी कैन सबट्रैक्ट अ फाइव डिजिट नंबर फ्रॉम अ फोर डिजिट नंबर कि हम फोर डिजिट नंबर में से फाइव डिजिट नंबर को सबट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये बात रॉन्ग है हम फोर डिजिट नंबर में से फाइव डिजिट नंबर को सब्ट्रैक नहीं कर सकते इसलिए ई पार्ट के आगे फॉल्स आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर फिफ्टी फोर पर क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपको ऑप्शंस दी गई हैं आपने उसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है ए पार्ट ए पार्ट क्या है टेक अवे फिफ्टीन हंड्रेड फ्रॉम ट्वेंटी फाइव हंड्रेड द रिज़ल्ट इज जब हम ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से फिफ्टीन हंड्रेड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री थाउजेंड या फोर थाउजेंड अब हम इसे माइनस करके चेक करेंगे 2500 को ऊपर रखेंगे और उसमें से 1500 माइनस करेंगे वन्स कॉलम में हमें नंबर ज़ीरो दिया गया है ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है टेंस कॉलम में भी हमें ज़ीरो दिया गया है जब ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है हंड्रेड कॉलम में हमें फाइव दिया गया है फाइव में से जब फाइव माइनस करें तो हमारे पास आंसर जीरो आता है थाउजेंड कॉलम में हमें टू दिया गया है टू में से वन माइनस करें तो हमारे पास आंसर वन आता है स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आंसर बना वन थाउजेंड इसलिए वन थाउजेंड वाली ऑप्शन को हम टिक करेंगे ए पार्ट में बी पार्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग टू हंड्रेड फ्रॉम द सम ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड गिव्स जब हम सेवेंटी फाइव हंड्रेड और ट्वेल्व हंड्रेड को प्लस करेंगे और उसमें से टू हंड्रेड माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा एट थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड और एट थाउजेंड अब हम सब पहले ऐड करते हैं सेवेंटी फाइव हंड्रेड में ट्वेल्व हंड्रेड को देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है वन्स कॉलम में हमारे पास ज़ीरो दिया गया है ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है टेंस कॉलम में हमें जीरो दिया गया है ज़ीरो में ज़ीरो प्लस करें तो आंसर ज़ीरो आता है हंड्रेड कॉलम में हमें टू दिया गया है और टू में हमने फाइव प्लस करने हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है सेवन थाउजेंड कॉलम में हमें वन दिया गया है वन में हमने कितने ऐड करने हैं सेवन वन में जब हम सेवन ऐड करें तो हमारे पास एट बनता है हमारे पास प्लस करने के बाद आंसर बना एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड अब हमने इसमें से क्या माइनस करना था टू हंड्रेड जब एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड में से टू हंड्रेड माइनस करेंगे तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है वंस कॉलम में हमारे पास ज़ीरो है ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया तो हमारे पास आंसर ज़ीरो बनेगा में भी हमारे पास जीरो था जब हम ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो बनेगा हंड्रेड कॉलम में हमारे पास सेवन था सेवन में से जब हम टू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर फाइव बनेगा थाउजेंड कॉलम में हमारे पास एट था इसलिए हमारे पास आंसर ए आंसर में भी एट आ जाएगा हमारे पास टोटल आंसर क्या बना एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसलिए बी पार्ट में करेक्ट ऑप्शन क्या है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसलिए हम इसे टिक करेंगे सी पार्ट सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है राना हैड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ राना के पास कितने रुपीज़ थे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड शीज़ पेंट रुपीज़ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन उसने कितने रुपीज़ खर्च कर लिए थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन शीज़ लेफ्ट विद उसके पास कितने पैसे बाकी रह गए हमारे पास ऑप्शन दी गई हैं रुपीज़ एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टीन सेकेंड ऑप्शन दी गई है रुपीज़ नाइन हंड्रेड एंड थर्टीन थर्ड ऑप्शन में हमें दिया गया है रुपीज़ 887, फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया गया है रुपीज़ 837. अब हम इसे माइनस करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है 4500 को हम ऊपर रखेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे 3613. वन्स वंस कॉलम में हमें ज़ीरो दिया गया है और ज़ीरो में से हमने थ्री माइनस करना है ज़ीरो में से हम थ्री माइनस नहीं कर सकते इसलिए हम टेंस कॉलम के पास जाएंगे। टेंस में हमारे पास ज़ीरो में से हमें वन माइनस करना है जबकि वहाँ पे भी वैल्यू छोटी है ज़ीरो है ज़ीरो में से हम माइनस नहीं कर सकते और कैरी भी नहीं ले सकते इसलिए हम फिर हंड्रेड कॉलम के पास जाएंगे। हंड्रेड कॉलम में हमारे पास फाइव है फाइव से हम वन कैरी टेंस वाले कॉलम को देंगे टेंस में हमारे पास टेंस बन जाएगा टेन बन जाएगा और हंड्रेड वाले कॉलम में हमारे पास फोर रह जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि टेन वाले कॉलम से वन कैरी वंस वाले कॉलम को देंगे वंस में टेन बन जाएगा और टेन वाले कॉलम में नाइन रह जाएगा अब हमने क्या करना है कि वंस वाले कॉलम में टेन में से थ्री माइनस किया तो हमारे पास सेवन रह जाएगा टेंस वाले कॉलम में नाइन में से वन माइनस किया तो हमारे पास एट रह जाएगा हंड्रेड वाले कॉलम में हमारे पास फ़ोर बचा फोर में से सिक्स माइनस नहीं हो सकता तो हम थाउजेंड वाले कॉलम से वन कैरी लेंगे और हंड्रेड वाले कॉलम में फिर हमारे पास क्या बन जाएगा फोटीन फोटीन में से सिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास एट रह जाएगा थाउजेंड वाले कॉलम में हमारे पास थ्री बचा थ्री में से जब थ्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जीरो अब हमारे पास टोटल स्टेटमेंट का क्या बना है एट हंड्रेड एंड एट्टी सेवन टोटल आंसर हमारे पास क्या बना एट हंड्रेड एंड एट्टी सेवन सी पार्ट का करेक्ट आंसर क्या बना रुपीज एट हंड्रेड एंड एट्टी सेवन अब डी पार्ट पे हम चाहते हैं डी पार्ट हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है राफी इज 136 सेंटीमीटर टॉल। अनम इज़ 127 सेंटीमीटर टॉल राफी इज टॉलर देन अनम बाय। उन्होंने बताया है कि राफी इतने सेंटीमीटर टॉल है और अनम इतने सेंटीमीटर टॉल है राफी अनम से कितना ज्यादा टॉल है नाइन सेंटीमीटर 109 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर अब हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है सबसे पहले हम 136 ऊपर लिखेंगे और माइनस किस में से करेंगे 127 में से अब हमारे पास वंस कॉलम में सिक्स दिया गया है सिक्स में से सेवन माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे टेंस वाले कॉलम से वन कैरी लेंगे वंस वाले कॉलम में हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन में से जब हम सेवन माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर नाइन बचेगा टेंस वाले कॉलम में हमारे पास कैरी देने के बाद टू बचा टू में से जब टू माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आंसर बचेगा हंड्रेड वाले कॉलम में हमारे पास वन है जब वन में से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो बचेगा अब हमारे पास माइनस करने के बाद क्या आंसर आया नाइन सेंटीमीटर इसलिए डी ऑप्शन में डी पार्ट में करेक्ट ऑप्शन क्या है नाइन सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर को हम टिक करेंगे ई e पार्ट है हमारे पास फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी टू उसमें से हमने क्या माइनस करना है 2167 थाउजेंड इज़ इक्वल टू इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आती है 8039, 3715, 3705, थर्टी एंड अब हम इसमें से 5800 में 872 में से माइनस क्या करेंगे 2167। वन अब वंस कॉलम में हमें टू नंबर दिया गया है टू में से सेवन माइनस नहीं होता इसलिए टेंस कॉलम से वन कैरी लेंगे वंस कॉलम में हमारे पास ट्वेल्व बन जाएगा और टेंस कॉलम में हमारे पास सिक्स रह जाएगा 12 में से वंस कॉलम में 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 5। टें कॉलम में 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 बचेगा 100 कॉलम में 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा थाउजेंड कॉलम में फाइव में से टू माइनस करेंगे तो हमारे पास थ्री बचेगा हमारे पास आंसर क्या बना थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फाइव तो ई पार्ट में हम करेक्ट ऑप्शन कौन सी है हमारे पास थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फाइव इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आज हमने एक्सरसाइज टू बी की फिल इन द ब्लैंक्स एम सी क्यूज और ट्रू फॉल्स को सॉल्व किया जो बुक पेज नंबर 53 और 54 पर हैं इसके अलावा हमने वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि पेज नंबर 59 पर हैं उन्हें डिस्कस किया गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज़ जजाकल्ला